अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चॉइस फॉर टुडे। आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद लतीफाबाद यूनिट नंबर 7 सिंध पाना हाउस पे। बेसिकली ये जो एरिया है पूरा एक ये मेन रोड है, चलता फिरता एरिया है। यहाँ पे अलफजर की पूरी अलफजर की लाइन है, अलफजर फूड्स के नाम से बहुत मशहूर है यहाँ पे अलफजर, उसी लाइन में ये सिंध पाना हाउस है। तो आपको पता है फूड ब्लॉग्स के हवाले से आप सारे खानों के बारे में तो आप लोग देख चुके हो, तो हमने अभी तक एक पान का ब्लॉग नहीं किया था, क्योंकि दिल दिया है जान भी देंगे मीठा पान तेरे लिए। तो हमने बोला आज मीठा पान टेस्ट करें और आप लोगों को बताएं यहाँ का पान कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि फूड्स की तो स्पाइसी वगैरह खानों के तो आप लोग देख चुके हैं। तो हमने बोला यार कुछ स्पेशल होना चाहिए जो हमारी ऑडियंस पान को भी, तो जाहिर है हर बंदा पान खाता है, हर बंदा भी नहीं खाता, बट कुछ ना बहुत से लोग हैं वो तो खाते हैं, और मीठा पान तो फिर एक दिल है, तो फिर चले चलते हैं। तो भैया मेरे साथ मौजूद है हमारे ये अता भाई नाम है ना जी। मुझे आप ये बताएं सिंध पान हाउस जी कितना टाइम हो गया सिंध पान हाउस को? यार सिंध पान हाउस को लतीफाबाद के अंदर तो तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, मगर ये हैदराबाद गुलाब पान हाउस के सामने जो है पिछले 15 सालों से। अच्छा 15 साल से वहाँ पे हीरा पर है, ये सेकंड ब्रांच है लतीफाबाद के। अच्छा तो ये मुझे बताएं ये 3 साल हो गए इसको? जी तकरीबन। स्टार्टिंग आप लोगों ने की थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे बताएं एक बात कि आपके पास कौन कौन से पान और कौन कौन से ज्यादा चलते हैं? यार हमारे पास जो नॉर्मल मीठा है ना वो ज्यादा चलता है, वो ज्यादा चलता है, स्पेशल भी है उसकी भी रनिंग सही है। अच्छा, मीठा पान तो मतलब ना स्पेशल मीठा पान में ऐसी क्या होगा? अच्छा स्पेशल मीठा पान जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी खुशबुएं ज्यादा होती हैं, और जो इसके अंदर हम गुलकन ऐड कर देते हैं, और जो नॉर्मल मीठा पान होता है ना उसके अंदर हम गुलकन ऐड नहीं करते, वो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल उसके अंदर गुलकन का फर्क है, खुशबुओं का फर्क है। ये मीठा पान और स्पेशल मीठा पान कितने का है दोनों? अच्छा मीठा पान नॉर्मल जो है वो 50 का है और स्पेशल 80 रुपए का है। अच्छा वो 80 रुपए का है, तो इसकी जो प्राइस इंक्रीज है स्पेशल की 30 रुपए जो बढ़े हैं वो मतलब? वो एक तो हमारे पास इंडियन जो खुशबुएं होती है ना वो महंगी होती है, तो इस वजह से जो है उसके प्राइस इंक्रीज है। अच्छा तो फिर आप एक काम करें, आप हमें दोनों बनाए, दोनों टेस्ट करेंगे, अपनी पब्लिक को बताएंगे की कैसा पान है आपका, तो फिर बनाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि पान तो आपको पता है कि पान लवर को एक सादा खुशबू सादा खुशबू भी होता है। मगर ये मीठे के अंदर ही काउंट होता है, मगर जो है ना इसके अंदर छालिया वगैरह आ जाती है जो अच्छा बच्चे नहीं खाते हैं। सही एक पान भाई भी लेने आए मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेना है आपको? 100 खुशबू का पान। 100 खुशबू का कैसा लगता है पान आपको यहाँ? ये किसी मंगवाया है? आप ही खाते हैं? मंगवाया है। चले और बताए बाकी सब ठीक है? तो पान आप क्या मतलब पहली बार आए या पहले भी आते हैं? मेरे किसी ने मंगवाया, फर्स्ट टाइम आया हूं। फर्स्ट टाइम आया वो यहीं से खाते हैं। अच्छा वो यहीं से खाते हैं। तो भाई तो खुद किसी के लिए लेने आए, हमने सोचा यार भाई खुद लेने आएंगे, बट भाई कह रहे हैं कि हम किसी के लिए लेने आए, तो अभी पब्लिक का भी रिव्यू ले लेंगे हम, बट ये है कि अभी वो हमारा जब तक पान रेडी करें उसके बाद हम रिव्यू देंगे। तो भाई जैसे कि अब हमारा जो है ना पान रेडी हो रहा है और फिर हम टेस्ट करें और आपको बताएंगे। ये क्या डाल रहे हैं सर? अच्छा ये है रोस्टेड खजूर। ये क्या है रोस्टेड खजूर, इसका थोड़ा बताइएगा? ये मतलब इसको अनारदाना भी बोलते हैं, इसके अंदर खुशबू होती है, मिंट होता है। अच्छा और ये क्या है? इसको बोलते हैं अनमोल। अनमोल जी, अनमोल ये कुछ ज्यादा अनमोल जलता रंग। अच्छा जलता रंग। अच्छा ये अनमोल है, सफेद खोपरा है। सफेद खोपरा, तो खोपरे की भी कोई क्वालिटी वगैरह रखते हैं क्या? खोपरे 2 किस्म के होते हैं, एक ग्रीन फ्लेवर्ड खोपरा और ये फ्लेवर्ड खोपरा है। ये फ्लेवर खोपरा है। अच्छा ये भी है, मतलब दोनों जो है सेम क्वालिटी है, दोनों की सेम क्वालिटी है। हाँ क्वालिटी सेम है। अच्छा और ये क्या ऊपर जो आपने रखा है? ये ग्लूकोज बॉल होते हैं। ग्लूकोज बॉल्स होते हैं वाले। और ये ऊपर आपने ड्रॉप डाला, ये भी एक। अच्छा ये खुशबू होती है, ये होती है खुशबू जी। और ये क्या है? और ये मीठी चटनी है। मीठी चटनी जी। तो ये क्या है? आप लोग खुद बनाते हैं या फिर ये भी परचेज करते हैं? ये रॉ मटेरियल लेते हैं हम लोग। अच्छा। उसके बाद खुद तैयार करते हैं। अच्छा फिर तैयार करते हैं। तो ये किस तरीके से मतलब ये आप इसके अंदर चीनी होती है, ग्लूकोज होता है, खुशबुएं होती हैं और दूसरे मटेरियल वगैरह। हाँ ये कौन सा अभी मीठा पान? ये मीठा नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो भाई हमारा मीठा पान तो जो कि अभी तैयार हो चुका है, तो इसको भी ये हम टेस्ट करेंगे। इसके बाद अभी बन रहा है हमारा स्पेशल वाला, स्पेशल वाला बन गया, उसके बाद हम दोनों टेस्ट करेंगे, फिर दोनों का रिव्यू आपको देंगे। अभी इन्होंने जो के इसको कहते हैं, ये इसको पत्ता ही कहते हैं ना, ग्रीन ग्रीन पत्ता ही होता है ना ये। हाँ इसको ये कहते हैं बैटल लीफ। बैटल लीफ, बैटल लीफ मतलब। तो इसको बैटल लीफ कहते हैं। अभी इसके ऊपर जो
और ये कथाई कलर का जो लगाते हैं इसको क्या कहते हैं? कथा कथा हाँ, और व्हाइट वाला चूना होता है, और ये इंडियन चटनी है। कौन सी? इंडियन चटनी है। इंडियन इंडिया से आई है क्या? इंडिया से आती है भाई, इंडियन चटनी जो है वो कह रहे हैं भाई इंडिया से आई है। जाफरानी चटनी कहलाती है। अच्छा, जाफरान होते हैं। ये क्या डाला आपने ऊपर अभी इसको? अच्छा, ये रोस्टेड खुशबू है, ये कंपलसरी होती है ना ये वाली? ये सॉफ्ट खुशबू के अंदर भी, सादा खुशबू के अंदर भी। अच्छा, ये खुशबू देती है ये? हाँ। अच्छा, इसमें आपने उसमें भी ऐड की है, ये मीठा पानी और स्पेशल में भी, दोनों में ऐड किए? हाँ। तो भाई देख सकते हैं आप के ये इसकी टॉपिंग कर रहे हैं अभी। और ये अच्छा, क्या है? ये व्हाइट क्रीम है। व्हाइट व्हाइट क्रीम क्रीम हाँ। तो इसका व्हाइट क्रीम का थोड़ा सा ये मेंथोल होता है। मेंथोल, तो ये भी बाहर का ही? तो ये भी खुद बनाते हैं आप? नहीं, ये तैयार आती है। ये तैयार आती है? तो भाई ये जो इनका ये मैनफोल है, ये तैयार आती है बाहर से, खुद परचेज करते हैं। और ये गुलकंद, आप देख ट्रैफिक की आवाज सुन लोगे कितना यहाँ पे हलचल है। ये क्या है? ये गुलकंद है। क्या नाम है इसका? गुलकंद। गुलकंद गुलकंद अच्छा, ये गुलकंद है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे हमें। गुलकंद होता है वो फूलों से बनता है नॉर्मली ना, फूलों से बनता है ये। हाँ, ये बेसिक है ना? बेसिक है। अच्छा, ये आपने खोपरा डाल दिया? ये खोपरा। स्पेशल में कुछ और टॉपिंग भी करते हैं क्या आप? ये ग्रीन खोपरा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा जो है ना, ये पान अभी तैयार करें जो उसने ऐड किया था वही। अच्छा, ये क्या है इसका जरा बताएगा? ये जो भी ऐड किया आपने कुछ भी, ये मेंथोल ड्रॉप्स होते हैं। इसकी असल में क्वांटिटी ज्यादा है क्या स्पेशल वाले की? स्पेशल वाले के अंदर मटेरियल ज्यादा होते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स इसके ज्यादा हैं। अरे ये तो जबरदस्त बात है। और ये आ गई लाल छालिया। लाल छालिया जी, इसको लाल करा है कि लाल आती है? ये लाल ही होती है। लाल ही होती है लाल छालिया, ये कराची के अंदर बहुत मशहूर होती है। हाँ, ये भी बाहर की है? नहीं, ये अपने पाकिस्तान में बनती है। नहीं नहीं, मतलब ये आप खुद परचेज करते हैं या फिर? नहीं नहीं, ये बनी बनाई आती है। और ये जो ज्यादा अपने ये होती है लजीज, लजीज हाँ, मीठी चटनी, मीठी चटनी। तो ये स्पेशल भी रेडी हो गया हमारा? ये अपना स्पेशल रेडी हो गया। तो ये हमारा जो है मीठा पान तो रेडी हो चुका था, अब ये स्पेशल भी रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों को टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो फिर चलें टेस्ट करें। तो भाई जैसे कि हमारे जो है ये दोनों पान रेडी हो चुके हैं, ये है मीठा और ये स्पेशल है। तो हम पहले मीठा टेस्ट करेंगे उसके बाद स्पेशल टेस्ट करेंगे। तो पहले हम करते हैं मीठा वाला टेस्ट कि मीठा पान क्या था। ये देखें, ये इन्होंने जो है ना इसे ऊपर डबल पैकिंग करी हुई है, ये देखें। और इसमें ऊपर जिस तरीके से इसको रखा हुआ है ना, ज़बरदस्त यार। बस पान तो आपको पता है कि पान तो लव है ना, फिर माना फूड ब्लॉगर है बट पान तो एक दिल है। तो ये सिंध पान हाउस का ये पान है। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। ये है मीठा पान, देखें अंदर इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, इनकी क्वांटिटी देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी। अब करते हैं इसको टेस्ट। भाई इनका जो मीठा पानी है ना वो बेहतरीन है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है ना इसका, जो इन्होंने ऊपर से जो चटनी इसको कहते हैं वो ऐड करी हुई थी, और ग्रीन वाली रेड वाली छालिया सॉरी, वो उससे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है इसका। तो भाई ये तो हमने टेस्ट कर लिया, अब हम करते हैं स्पेशल वाला टेस्ट। ये देखें स्पेशल जो है ना पूरा, ये तेल की क्वांटिटी देखें आप, इसमें इन्होंने क्या क्या ऐड करा हुआ ऊपर से, सारी चीज़ें जो है ना, खोपरा ये वो। खोपरा तो आपको ऊपर ही नज़र आ रहा होगा। अब ये वाला ट्राई करते हैं। तो भाई ये देखें, तो साइज देखें आप, और ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन बना हुआ है। ये जो है ना इन्होंने ऊपर खोपरा है, ऊपर जो है ना उन्होंने चटनी डाली हुई इनकी, ये वो। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये स्पेशल वाला है,
मैं दे रहा हूँ यार, पान खाली एक तो बोला भी नहीं जा रहा, दूसरी बात ये कि टेस्ट बड़ा बेहतरीन है पान का, मजा आ गया भाई, दोनों ही बेहतरीन है। इतना स्पेशल वाला जो है ना, इसमें खुशबू की जो है एक टेस्ट आ रहा था वो बड़ा जबरदस्त लगा मुझे। अच्छा यार कपड़ा देना, और दोनों की प्राइस बता दें एक बार, और स्पेशल वाला कितने का है? स्पेशल वाला 80 का है और जो सिंपल मीठा पान है वो 50 का है, तो दोनों बहुत जबरदस्त हैं और स्पेशल वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्पेशल वाले में एक जो इनकी जो चटनी ऊपर और इसका टेस्ट आ रहा है और बहुत सारी जो चीजें इसमें ऐड हुई है ना, मजा आ गया भाई। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आए और लाजमी टेस्ट करें। अगर हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन का बटन नजर आ रहा है वो आपको लाजमी दबाना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि आपके खाने के बारे में अगर हमें पब्लिक को बताना हो, वो किसी भी तरीके का होटल या रेस्टोरेंट या स्टॉल या ठेला कोई भी हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं, ताकि हम आपके खाने के बारे में लोगों को बताएं और खुद भी टेस्ट करके बताएं कि वो आपका खाना कैसा है, कैसा नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।